साइकिल के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक ही है हमारा C4 साइकिल, लेकिन उसके पहले थोड़ा C3 साइकिल को एक बार फिर से आपको ये कर ले, ठीक है? फटाफट आइए। तो C3 साइकिल में एक होमवर्क दिया था कुछ, ओके, कितने लोगों ने किया है और बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम है, होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ, एक छोटा सा क्वेश्चन ही तो था, ठीक है? चलिए, तो क्या आंसर आएगा उसका, कितना? साइकिल 12, ठीक है, 1 मिनट खड़ी हो जाओ। हाँ, और कितना ATP लगेगा, कितना? 36, ओके। और NADPH 24, ओके, ठीक है। और कितना 3PGA, ये कितना PGL या DHAP रिलीज होगा, कितना? क्वेश्चन को समझिए, कितना PGAL निकलेगा तो क्या दिया था, सुक्रोज बनने के लिए ना, तो सुक्रोज बनेगा। एक सुक्रोज बनाने के लिए कितना PGL या DHAP लगेगा, कितना? 4, क्योंकि 3 कार्बन का 1 PGL है, तो 12 कार्बन का बनाने के लिए कितने लगेंगे, 4। अब क्लियर हो गया? तो किसी भी तरह से आपको किसी भी एंगल से क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, एंड आपको इसके लिए रेडी रहना है। अब अगर हम बात करें C3 साइकिल के रिएक्शन की, कि C3 साइकिल के रिएक्शन में क्या होता है, क्या बताएंगे C3 साइकिल के रिएक्शन में? क्या क्या यूज हुआ, 6CO2, ठीक है, प्लस 12 NADPH प्लस 18 ATP, यही यूज हुआ ना, ठीक है। और यहां पर H2O नहीं लिखे क्योंकि H2O तो लाइट रिएक्शन में हो चुका है, तभी तो ये बने हैं, है ना। यहां पर 6CO2 प्लस 12 NADPH प्लस 18 ATP, तो क्या बन के मिलता है हमें, C6H12O6 प्लस 12 NADP प्लस 18 ADP प्लस PI। आप समझ गए, दिस इज द रिएक्शन फॉर द C3 साइकिल। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है बेटा C4 साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक C4 साइकिल है। देखिए बेटा, C4 साइकिल को ही हम लोग कहते हैं HSK साइकिल। क्या कहते हैं, HSK साइकिल, हैज एंड स्लैग साइकिल या हैज स्लैग एंड कोस्टैक साइकिल। ये 3 साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम के बेसिस पर ये पड़ा है HSK साइकिल, ओके। ये बात पहले समझ गए। C4 साइकिल खास करके जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं, अब ट्रॉपिकल प्लांट कहने का मतलब ऐसा प्लांट जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, या जहां पे पानी कम है वहां पर। लाउड, गला सूख जाएगी रे बाबू, नहीं दे रहा है ना, एक काम करो वहां से नितिन को बुला के लाओ, उधर उनको देखा है भालेकर जी को, एठवा जा रहे बाबू, नितिन को बुला के लेके आ।
अब कितना तेज बोलूं मैं, अभी तुरंत खाना खा के आया हैं ऐसे। अरे ये दुखता है रे ऐसे क्या, ऑलरेडी यहाँ पे लगता था पट्टा जैसा लगता है, ये तो और बॉन्डेड कर दिया। वहां पे मैं पढ़ाता था माइक अलग होती थी, इस तरह के माइक से नहीं पढ़ाया ना। अब ठीक है चलो तुम लोगों का एक्सपेरिमेंट देखो, थोड़ा सा देखो ना उधर वॉल्यूम कम हो रहा है क्या। थोड़ा बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आवाज तो बढ़ सकते हैं क्या साउंड है। हाँ इसको और नजदीक ले आओ ऐसे, जो अभी पढ़ा के गए उनको कोरोना होगा तो फिर सोचो। ठीक है चलो देखता हूँ, उधर बच्चों को बोल दो ना नितिन कि अगर आवाज कम आए तो आके बताएंगे। आजा आजा हाँ तू आजा। तो हैज एंड सिलेक्ट साइकिल जो है वो हम लोगों को देखना है, यानी कि C4 साइकिल। और C4 साइकिल खास करके वैसे प्लांट में होता है जो प्लांट कम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, जो हाई टेम्परेचर वाले एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, या जहां पर सैलिनिटी ज्यादा है, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे सॉइल में नमक ज्यादा है, यानी हाई सैलिनिटी वाले एरिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे प्लांट को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल प्लांट। और उन प्लांट में एक अलग एनाटॉमी होती है, एक अलग साइकिल चलता है जिसे कहते हैं C4 साइकिल। और जिस प्लांट में C4 साइकिल चलता है उसी प्लांट को हम लोग कहते हैं C4 प्लांट। जैसे इसका एग्जांपल है सुगरकेन, मेज, सोरघम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। अब C4 प्लांट का मतलब यानी ट्रॉपिकल प्लांट, कौन सा प्लांट, ट्रॉपिकल प्लांट। और ये ट्रॉपिकल प्लांट दोनों हो सकते हैं, यानी कि मोनोकॉट भी हो सकता है और डाइकॉट भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मोनोकॉट में चलेगा या डाइकॉट में। अभी तक जनरली जो चीजें देखते थे हम लोग, या तो बोलते थे कि ये मोनोकॉट में होता है या डाइकॉट में, या तो दोनों में। तो यहां पर C4 प्लांट का मतलब ट्रॉपिकल प्लांट, और ट्रॉपिकल प्लांट ऐसे प्लांट जो कम पानी वाले एरिया में, हाई टेम्परेचर वाले एरिया में, या सलाइनिटी वाले एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी ये इनकी टॉलरेंस पावर नॉर्मल प्लांट से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उन प्लांट में ये क्या करते हैं, एक स्पेशल साइकिल को चलाते हैं, क्यों, ताकि कम से कम CO2 के कंसंट्रेशन में भी अपना सर्वाइवल बना सके। अब ये साइकिल चलता कैसे है, होता क्या है, C4 साइकिल से गिना चुना एकदम फिक्स क्वेश्चन रहता है। जैसे इसमें से बहुत बार पूछा है क्रेंज एनाटॉमी, ये क्या होता है, ठीक है। तो क्रेंज एनाटॉमी का मतलब दो चीज है, जो प्लांट के लीफ का वास्कुलर टिश्यू है वह दो तरह के स्पेशलाइज्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। जैसे अभी इसके पहले C3 प्लांट में हम लोगों ने देखा था मेजोफिल सेल के बारे में बेटा, तो उसी तरह इसमें मेजोफिल सेल भी होता है और उसके साथ साथ एक लार्ज सेल होती है जो वास्कुलर टिश्यू को पूरी तरह से सराउंड करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग बंडल सीट सेल। समझ गए, कौन सा सेल, बंडल सीट सेल। और ऐसे एनाटॉमी को, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यानी कि प्लांट के लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर में वास्कुलर टिश्यू दो अलग अलग सेल से सराउंड होते हैं, एक का नाम मेजोफिल है, तो दूसरा सेल कौन सा है जो मेन रूप से सराउंड करता है वास्कुलर टिश्यू को, उसको कहते हैं हम लोग बंडल सीट सेल। और इस तरह का जो एनाटोमी देखने को मिलता है उसको कहते हैं क्रेंज एनाटोमी। और क्रेंज वर्ड का मतलब होता है वृद्ध, यानी सांस लेने की प्रक्रिया, ठीक है। अब दोनों सेल जो होते हैं, ये दोनों सेल आपस में कैसे ज्वाइंट होते हैं, तो दोनों सेल ज्वाइंट होते हैं प्लाज्मो डेस्माटा से। किससे, प्लाज्मो डेस्माटा से,
अब देखिए, अब ये एनाटोमी होता क्या है? एचएसके साइकिल का पूरा नाम लिखा है आपने, हेड एंड स्लैग साइकिल बोलते हैं, और के फॉर कॉस्टलैंड ऐसे होता है एक नाम है। सबसे पहले इनिशियली कॉस्टलैंड नहीं ये किया था, कॉस्ट चौक है या कॉस्टलैंड ऐसे कुछ करके है नाम, ठीक है वो लिखा दूंगा। अब देखो, अब यहां पर मेन चीज हमें समझने का है, तो पहले क्रेंज एनाटोमी कभी मत भूलना कि क्रेंज एनाटोमी का मतलब क्या होता है, पहली बात ये हो गई ठीक। वृत का मतलब होता है सांस लेने वाला प्रोसेस, ठीक है, जिस प्रोसेस से ये लोग करते हैं। अब आइए देखिए यहां पर ये C4 साइकिल चलता कैसे और क्या है। रे बाबा, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं फटाफट, साथ में बना सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब स्टार्ट कर लीजिए। देखो बेटा, ये दो अलग अलग सेल हैं, एक सेल का नाम है मेजोफिल सेल और दूसरे के सेल का नाम है बंडल सी सेल, और दोनों सेल प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड हैं। This is the plasmodesmata, ठीक है, तो चलिए this is plasmodesmata, ठीक है, और ये हो गया है इस सेल का नाम है ऊपर, ये जो ऊपर वाला सेल है मेजोफिल सेल और नीचे के सेल का नाम है बंडल सीथ सेल, ठीक है, और ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड है, दैट इज क्रेंज एनाटॉमी। समझ गए बात को, तो ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड है और इस तरह से क्रेंज एनाटॉमी नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाए कि इसमें क्रेंज एनाटॉमी, बस ये याद रखो कि ये प्लाज्मोडेस्माटा है और ऊपर वाला सेल बंडल सी, ये मेजोफिल है और नीचे का सेल बंडल सी सेल है। अब देखिए क्या होता है, मेजोफिल के सेल में ग्रैनल थैलाकॉइड होते हैं, क्या होता है ग्रैनल थैलाकॉइड, और बंडल सीथ के सेल में ग्रैना नहीं होता है। अब जब ग्रैना नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस इसमें, यानी लाइट रिएक्शन जो है इसमें नहीं चल पाता है और इसमें लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है। अब होता क्या है, इसका नाम C4 साइकिल क्यों पड़ा, ठीक है, यस, 4 कार्बन का कंपाउंड सबसे पहले इसमें एस्टेब्लिश होता है यानी बनता है,
अब रिएक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूं, उसके बाद सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए ये साइकिल में क्या होता है कि एक कंपाउंड है पीईपी, पूरा नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फो एनॉल पाइरूवेट, है ना। अब एटमॉस्फेयर से इंट्री करता है, यानी कि गार्ड सेल ओपन होगा, तो गार्ड सेल की ओपनिंग से क्या आएगा अंदर, CO2, ठीक है। तो यहां पर बेटा CO2 है और इस CO2 में आ करके जुटता है H2O, इसमें सॉरी ये CO2 और CO2 में आ करके जुटता है H2O, तो ये कन्वर्ट हो जाता है HCO3 माइनस में, इसमें HCO3 माइनस में, ठीक है। अब देखो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, इसको नीचे करता हूं थोड़ा, ये दिख रहा ना CO2, उधर दिख रहा है कि नहीं, बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा चलिए, ये हो गया पेप और ये फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। अब ये फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्जैलो एसिटिक एसिड में, किसमें बेटा, ऑक्जैलो ओएए में, ऑक्जैलो एसिटिक एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं ओएए में, समझ गए। और यहां पर ये आकर के इसमें ऐड होता है HCO3। अब फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट थ्री कार्बन का कंपाउंड है और इसमें एक CHO3 आके जुटा है, यानी कार्बन है इसमें, तो ऑक्जैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का हो गया, फोर कार्बन का कंपाउंड हो गया ये OAA। अब इसको थोड़ा मैं मिटा लूं क्योंकि रिएक्शन अभी आगे दिखाना है। ऑक्जैलो एसिटिक एसिड जब इसमें आता है और यहां से ये रिलीज होता है H3PO4, ऑक्जैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है बेटा मैलिक एसिड में, किसमें, मैलिक एसिड में। जब ऑक्जैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, तो यहां पर ये यूज होता है NADPH। NADPH कब बना होगा, लाइट रिएक्शन में, ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो NADPH बना तो उसका यहां पर कन्वर्जन हो जाता है, NADPH कन्वर्ट होता है NADP प्लस में, ठीक। अब ये मैलिक एसिड को ट्रांसपोर्ट होकर के आना है किसमें, बंडल सिस्सेल में, ये मेजोफिल सेल में इतना काम हो गया, ठीक है। और ये जो काम है, ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कन्वर्ट होता है ऑक्जैलो एसिटिक एसिड में, तो यहां पर एंजाइम आता है जिसका नाम है पेप केस, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सीलेज, पूरा नाम समझ गए, जिसको लिखना है लिख सकते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सीलेज, इसी को शॉर्ट में जैसे रूबिस्को को शॉर्ट, ये राइबुलोज 1,5-20 फॉस्फेट कार्बोक्सीलेज ऑक्सीजिनेज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रूबिस्को, उसी तरह यहां पर फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सीलेज को पेप केस बोल दिए, आप समझ गए। ये एंजाइम काम किया, अब मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर के प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इंटर करता है किसमें, तो बंडल सेल में, यानी यहां पर फिर से आ गया ये मैलिक एसिड, कौन आ गया है, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होके आया। लिखने का भरपूर मौका दूंगा, पहले एकदम समझ लो, ध्यान मत दो, पहले समझ लीजिए पूरी बात, एकदम परेशान मत होइए, बहुत समय है अपने पास। मैलिक एसिड कहां ट्रांसपोर्ट होके आया, बंडल से सेल में आ गया, और मैलिक एसिड कैसे बना था, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पूछे कि मैलिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, फोर कार्बन का कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये फोर कार्बन का कंपाउंड या थ्री कार्बन का कंपाउंड, मान लो कोई फोर कार्बन का कंपाउंड है तो वो टू कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा, कब तक, जब तक उसमें से कोई एक CO2 या कोई कार्बन रिलीज नहीं हुआ है, और कोई
थ्री कार्बन का कंपाउंड फोर कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा, कब तक, जब तक कोई कार्बन का सोर्स आके उसमें ऐड नहीं हुआ है। तो यहां पर देखो पेप केस थ्री कार्बन का था, ये फोर कार्बन में कन्वर्ट हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर HCO3 आके जुटा ना, आप समझ गए। तो उसी तरह से मैलिक एसिड इसमें आया, अब ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, किसमें, पाइरुवेट में, तो मैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू पाइरुवेट। अब ये मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया ये हो गया पाइरुवेट, यहां पर आ गया, इसी को पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है, समझ गए। बुक में ऐसा नहीं कि पाइरुविक एसिड मिला, तरह सर ये क्या, ये तो आपने पाइरुवेट लिखाया था, यहाँ पर पाइरुविक एसिड है, पूरा दिमाग का दही कर लिया जा एकदम, अब तो कुछ समझ में नहीं रहा है। कहीं पर भी जैसे फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फेट बोलते हैं, पाइरुविक एसिड को पाइरुवेट बोलते हैं, तो लास्ट में ATE लगा रहे मतलब वो एसिडिक नेचर वाला कंपाउंड है, समझ गए, केमिस्ट्री वाला ज्यादा बताएंगे। अब ये फोर कार्बन का कंपाउंड था और कन्वर्ट हो गया है थ्री कार्बन के कंपाउंड में, तो क्या रिलीज करेगा, यहां से निकाल दीजिए CO2 को, और फिर यहां पर कन्वर्जन हो जाएगा NADP+ का NADPH में, यहां पर NADPH कन्वर्ट हुआ NADP में, अब फिर से कन्वर्जन हो गया NADP+ का NADPH में, तो NADPH जो यूज हुआ था वो रिलीज हो गया और साथ ही साथ CO2 रिलीज हो गया। और इसी बंडल सी सेल में रूबिस्को एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम होता है, तो जहां पर रूबिस्को एंजाइम होगा वहां पे C3 साइकिल चलेगा, क्या चलेगा, C3 साइकिल। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही लिखाया था कि C3 साइकिल अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, अब क्यों लिखाया, क्योंकि जो C4 प्लांट है उसमें भी C3 साइकिल चलेगा, तो नाम क्यों दे दिया भाई C4 साइकिल, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं और इनके अंदर एक अलग एनाटोमी होती है, यानी ये पहले कार्बन को फिक्स करने के लिए तीन कार्बन के कंपाउंड पेप को कन्वर्ट करते हैं फोर कार्बन के कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, इसीलिए वहां पर पहला स्टेबल कंपाउंड जो बना था उसका नाम था 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसेरिक एसिड, और यहां पर जो पहला कंपाउंड बना है वह है चार कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसीलिए उसका नाम था C3 साइकिल और इसका नाम है C4 साइकिल, आप समझ गए बात को। तो यहां पर जो CO2 रिलीज होता है यह CO2 बंडल सी सेल में सेपरेटली चलते रहता है C3 साइकिल, तो C3 साइकिल में क्या होता था, RUBP कन्वर्ट होता था 3PGA में और 3PGA से फिर RUBP, है ना, तो यहां पर क्या दिखा दिए हम लोग, C3 साइकिल, और C3 साइकिल को चलने के लिए क्या क्या चाहिए, ATP चाहिए, CO2 चाहिए और NADPH चाहिए, ATP है इस सेल के अंदर, CO2 आ गया ट्रेवल होकर के और NADPH भी आ गया, समझ रहे हैं बात को। अब यहां पर ये जो पाइरुवेट बना था ये पाइरुवेट अब ट्रेवल होकर के इस सेल के अंदर आएगा, वापिस से जाएगा इसमें, यहां पर आ गया पाइरुवेट, ठीक है, अब पाइरुवेट अंदर में आया यहां पर, और ये पाइरुवेट अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, यानी पेप में, जिसे हम थोड़ा सा लंबा स्पेस करने के लिए मिटाया हूं, पेप फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, आप लोग लिख लियो ना फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। तो ये जो पेप है यहां पर, अब ये पेप से दोबारा पाइरुवेट कन्वर्ट होगा बेटा किसमें, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, यानी ऐसे दिखा देता हूं मैं,
चलो, अब जब पेप कन्वर्ट होता है यानी पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पेप में, तो यहां पर खर्च करता है यह एटीपी कन्वर्ट होगा एएमपी प्लस पीपीआई में या पीआई में। चलिए आप समझ गए, दिस इज द सी फोर साइकिल। अब अभी सब बताऊंगा लेकिन बिना बताए मैं देखना चाह रहा हूं कितने लोग रिप्लाई करते हैं। अब मुझे बताइए कि सी फोर साइकिल में अगर एक CO2 का फिक्सेशन होता है, ठीक है ना, कंप्लीट एक CO2 के कंप्लीट फिक्सेशन के लिए, फॉर फिक्सेशन यानी कंप्लीट फिक्सेशन के लिए कितना ATP खर्च होगा, कितना NADPH का खर्च होगा, और अगर ये बता देते हैं तो फिर ये बताइए कि एक कार्बोहाइड्रेट या फिर सिंपल ग्लूकोज के लिए, एक ग्लूकोज के लिए कितना एटीपी को खर्च करेगा, कितनी बार साइकिल चलेगा और कितना एनएडीपीएच का यूज करेगा। और आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बता दूं कि एक यहां पर एटीपी खर्च कंप्लीट कन्वर्ट हुआ है एएमपी में, इसका मतलब यहां पर दो एटीपी के बराबर खर्च हुआ है। कितना एटीपी के बराबर? दो, माइनस टू एटीपी। अब बता सकते हैं तो बता दीजिए। ग्लूकोज बनाने के लिए कितना लगेगा? कहीं पर हमने ग्लूकोज बनते हुए दिखाया है या कोई कार्बन कंपाउंड रिलीज होते दिखाया है कहीं पर? तो कार्बन का जो कंप्लीट बनता हुआ कंपाउंड कहां से बन के निकलेगा? C3 साइकिल से। हम कह रहे हैं आपको कि यहां से आपको महार जाना है। कहां जाना है? महार जाना है, ठीक। और महार जाने के लिए हम कह दें कि यहां से भरने का किराया जो है वो 10 रुपया, ठीक है, और भरने से महार का जो फेयर है वो 50 रुपया। और तब पूछे कि बताओ महार जाने में कितना खर्च, तब क्या बोलोगे? सर 10 रुपया, है ना, क्या बोलोगे? 10 रुपया। अभी आप वही कर रहे हो। हमने आपको बताया कि ये समझो कि भरने से महार है, ठीक है, तो यहां खेड़ को क्यों छोड़ दिए? खेड़ से भरने भी तो जाना है, वो किराया क्यों छोड़ दिए? C3 साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना एटीपी खर्च होता है? 18। कितना एनएडीपीएच खर्च होता है? 12। तो वो तो C3 साइकिल के लिए हो गया रे बाबा। और जब तक C3 साइकिल नहीं चलेगा ग्लूकोज बनेगा क्या? नहीं। तो इसका तो हमें पता है कि एक ग्लूकोज के लिए यानी इसका खर्च हमें पता है, ये किराया इसका कितना भाई? 18 एटीपी इसमें ही खर्च हो जाता है, और 12 रुपया तो यहां पर ही खर्च हो रहा है ना। 6 बार साइकिल चलेगा ना भाई, तब तो 6 बार C3 साइकिल घूमेगा, तो C3 साइकिल के लिए 6 बार घूमेगा तो उसका किराया इतना पता है, 18 रुपया लेगा वो, तो उसका यहां से यहां जब तक ये नहीं चलेगा तो ये चल पाएगा क्या? तो इसको चलाने के लिए ये चलेगा। हमें पता है कि हमें महार का बस कहां से मिलेगी? भरने से मिलेगी, समझ गए? या पुणे जाना है तो बिना महार होए चले जाएंगे, भाया महार होके जाते हैं ना भाई ज्यादातर। मान लो 4-5 रास्ता है, छोड़ दो अभी, एक ही रास्ता याद रखो कि बिना महार के हम नहीं जा सकते, या बिना पोलादपुर के कहीं जा सकते हो क्या? भाया पोलादपुर होके जाओगे ही ना। और आपको पता है कि बिना पोलादपुर गए हुए ना हम मुंबई जा सकते हैं ना पुणे जा सकते हैं, और पोलादपुर यहां से जाने का जो मेन किराया है वह है 20 रुपया। तब पोलादपुर से पुणे का भी तो किराया जोड़ना पड़ेगा ना भाई, तो आप वही चीज जोड़ रहे हो। बस एक चीज हम कह रहे हैं कि बिना ये साइकिल चले ये साइकिल नहीं चलेगा, और इस साइकिल का हमें रेट पता है क्या है, कितना रेंट लेता है ये? 18 एटीपी लेता है, और ये साइकिल तभी चलेगा जब ये चलेगा, तो इसका कितना रेंट है? तो 12 है, ठीक है ना, 6 बार चलेगा तो 12। अब 12 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप समझ में आई बात?
कितना है टीपी, अब कितना है ना डीपीएच, लगाइए दिमाग फटाफट। हाँ 18, ओके। और कोई बता रे, बता, खाता है पड़ा रहता है। हाँ कितना 18, क्यों होगा बेटा 18? यहाँ एक खर्च हुआ था, एक फिर बन गया ना, कोई एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है नहीं, तो जो भी लॉस होगा, जो भी यूज होगा, कहाँ होगा? C3 साइकिल में। C3 साइकिल में एक ग्लूकोज के लिए कितना NADPH यूज होता है? 12 ही यूज होता है ना, तो 18 कहाँ से आ गया? कितना यूज हो रहा था? 12, तो फिर 18 क्यों? ये 6 रुपए एक्स्ट्रा टिप्स देना चाह रहे हो क्या कंडक्टर को? हाँ, कि मेरे पास बहुत पैसा, ये 6 रुपए तुम रख लो, चेंज मुझे नहीं चाहिए। प्लांट ऐसा काम नहीं करता है, वो हाईली एक्यूरेट वर्क में काम करता है, और वो जो भी करता है वो अपने से ज्यादा हमारे लिए करता है, ये भी एक बात है। और हम इतने सेल्फिश है कि जो करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो फिर 18 NADH कैसे हो गया रे, बता क्यों जोड़ा 18? चल बता, खड़ा हो। छह बार साइकिल चलेगा ना भाई, तो जब एक बार का दिख रहा है तो 6 बार का भी दिख रहा है। एक यहाँ पे खर्च हुआ, दोबारा हमने कहा 1 रुपया तुम हमसे ले लो, और कल होके रिटर्न मुझे दे दिया, तो कोई फर्क रहा? जितना लिया था उतना रिटर्न किया, कहीं पे कोई प्लस माइनस हुआ? इक्वल हो गए ना। यहाँ पर एक यूज किया था, फिर दोबारा एक लौटा दिया, कब? जब मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, तब। तो जितना लिया उतना रिटर्न कर दिया, तो हिसाब तो इक्वल हो गया। यानी जो भी खर्च होगा कहाँ होगा? C3 साइकिल में। और C3 साइकिल में कितने यूज होते हैं NADPH? 12। तो अब अगर पूछे कि इन C4 साइकिल हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी? 12 NADPH एंड 30 ATP, एंड हाउ मेनी साइकिल विल बी परफॉर्म? तो 6 साइकिल। अब बोलिए क्या डाउट है आप, बैठिए। ये साइकिल हम वो चीज पढ़ते हैं जो प्लांट कर रहा है, ठीक है? तो प्लांट कर क्यों रहा है? प्लांट इसलिए कर रहा है, एक अभी प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, फोटो रिस्पायरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? फोटो रिस्पायरेशन। वो प्लांट का कंप्लीट वेस्टफुल प्रोसेस है। होता क्या है उसमें, देखो, ये गुड, आपने इस तरह सोचा, एक रूबिस्को एंजाइम जो हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, इस एंजाइम का नाम ही था कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये एंजाइम कार्बन के साथ भी बाइंड करता है और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है। अगर कार्बन का कंसंट्रेशन लो है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो ये रूबिस्को बाइंड करेगा किसके साथ? O2 के साथ। और जब O2 के साथ बाइंड कर लेगा, तो C3 साइकिल का प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। C3 साइकिल का प्रोडक्ट कब बनता है? जब कार्बन बाइंड होगा रूबिस्को के साथ, लेकिन वहां पे कार्बन बाइंड नहीं हुआ, तो C3 साइकिल के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। अब यहां पर क्या है, कौन सा एंजाइम है? पेप केस है। इसमें ऑक्सीजनेज वर्ड लगा है नहीं, यानी ये एंजाइम जब भी बाइंड करेगा तो किसके साथ? सिर्फ CO2 यानी कार्बन के साथ बाइंड करेगा। ये ऑक्सीजन के साथ कभी बाइंड नहीं कर सकता है। तो जब ये, इसको कार्बन मिलेगा तभी ये बाइंड करेगा, और जब भी बाइंड करेगा तो इस तरह से साइकिल चलेगा, तो यहां क्या रिलीज देगा? CO2। यानी C3 साइकिल को, यानी यहां पर रूबिस्को जो एंजाइम है उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, जब भी मिलेगा तो क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। और CO2 मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा? सिर्फ प्रोडक्ट ही बनाएगा, यानी फालतू का काम करेगा ही नहीं। और जब फालतू का काम नहीं करेगा तो सर्वाइवल क्या होगी उसकी? आसान हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे आप कोई फालतू का काम नहीं करो, ना TV देखो, ना कहीं घूमने जाओ, और ना मार्केट में टाइम वेस्ट करो, बस आना पढ़ना, घर जाके रिवीजन करना, फिर आना पढ़ना, तो रिजल्ट होने से कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा।
तो उसी तरह से ये आपको C4 साइकिल बनना है। क्या बनना है? C4 साइकिल बनना है। और अगर C3 साइकिल बनना है तो अपने एंजाइम को इतना बचा के चलो कि कोई ऑक्सीजन आके आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। और आपका ऑक्सीजन जानते हो कौन है? स्टूडेंट को तीन चीजों से दूर रहना रहता है, दूरदर्शन, दोस्त और अतिथि से। दूरदर्शन का मतलब टीवी मोबाइल। दूर की चीजों को कौन दिखाता है? टीवी और मोबाइल दिखाता है। तो टीवी मोबाइल से दूर रहिए और सबसे ज्यादा तो अपने दोस्तों से दूर रहिए। और जो भी आपका कितना भी नजदीकी दोस्त क्यों ना हो, कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, हर किसी को अपना कंपटीटर मानिए। साथ में है तो सब कंपटीटर, सब नीट के एग्जाम में बैठेगा ना, तो एकदम कच्चा कंपटीटर, एकदम सच्चा कंपटीटर मांगो, दुश्मन मानो उसको, कि इसको तो हर कदम पे हमें 2 मार्क्स ज्यादा लाना है। तो जिस दिन ये तीन चीज रखेंगे, यानी हर कोई आप लोग C4 साइकिल हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एकदम ओरिएंटेड है, सिर्फ पढ़ना है, घर जाना है, आना है, पढ़ना है 2 साल के लिए। और अगर आप C3 साइकिल हो तो अपने रूबिस्को एंजाइम को, यानी अपने नेचर को बचा के रखो ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन है आपका? आपके फ्रेंड। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, चल ना थोड़ा मार्केट से आते हैं, अरे नहीं मेरा मन है, चलो ना बाद में पढ़ने, 1 घंटा पढ़ के क्या कर लोगे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आएंगे। ठीक है, जो हॉस्टल में रहते हैं या और कहीं पे जिनका घर आसपास नजदीक में ही है, मान लिया दो दोस्त एक जगह दापोली से ही यहाँ आ रहे हैं, अब दापोली पहुंचे, संडे को फ्री हैं, संडे को ऊपर फ्री हैं, तो दोस्त को फोन करेंगे, चल ना थोड़ा आज घूम के आते हैं, यहाँ का बड़ा पाव फेमस है, वो खा के आते हैं। अरे तुझे जाना है जाना भाई, दूसरे को क्यों जबरदस्ती करता है? तो वो इसीलिए कि उनको सेटिस्फेक्शन होती है, मैं नहीं, ऐसा सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, और भी लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे, तो उनको सेटिस्फेक्शन रहता है। लेकिन अगर आप उनके सामने पढ़ाई करते हुए दिखो तो वो खुद, उनको पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन इतनी जलन होगी, इतनी जलन होगी कि उतना जलन एसिडिटी भी नहीं करता है, और इस वजह से आपको पढ़ने नहीं देंगे। तो अपने आप को इस तरह से, आप लोग अपने रूबिस्को एंजाइम को इस तरह से बचा के चलो। ये लिख लिया, बना सभी का? अब बनाइए फटाफट। बंडलशीट सेल में कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट? एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। कैसा क्लोरोप्लास्ट? एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब समझते हो? यानी सेपरेट थैलाकॉइड होगा या स्ट्रोमल थैलाकॉइड होंगे? स्ट्रोमल थैलाकॉइड। और इसी में बंडलशीट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? रूबिस्को प्रेजेंट, और इसीलिए C3 साइकिल, अभी लिखाऊंगा मैं, अकर्स। लेकिन इन शॉर्ट आप चाहते हो कि पूरा लैंग्वेज से अच्छा कि बस इन शॉर्ट एक जगह रहे, आप इस तरह से बना सकते हैं।
आज बच्चे कुछ कम हो गए, सभी आए हैं, एब्सेंट है ना कुछ? आइए आइए फटाफट आइए। बन गया ना सभी का? हो गया सभी का? फटाफट थोड़ा नोट डाउन करेंगे कुछ कुछ बातों को इसमें। लिखेंगे some tropical plant TROPICAL some tropical plant bracket में both monocot and dicot दोनों हो सकते हैं वो some tropical plant have a special anatomy called cranial anatomy that is the vascular tissue surrounded by a large bundle cell and a small mesophyll cell. सोचा देखे तब लिखेंगे bundle cell has rubisco enzyme so it perform C3 cycle, but it has estromal thylakoid or a granule thylakoid. Estromal thylakoid or a granule thylakoid. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका साइज लार्ज होता है लेकिन उसमें ग्रेना नहीं होते हैं। किसमें? बंडल सिस सेल में, ठीक है।
बट क्या लिखे है? बट इट हैज ए ग्रंथालाकॉइड, है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए लार्ज क्लोरोप्लास्ट, ऐसे याद रहेगा लार्ज क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज अनेबल टू परफॉर्म, ब्रैकेट बंद करके, सो दिस इज अनेबल टू परफॉर्म मेनली लाइट रिएक्शन, सो इट इज अनेबल टू परफॉर्म मेनली लाइट रिएक्शन। तब लिखेंगे मेजोफिल सेल हैज ग्रेनल थैलाकॉइड, ग्रेनल थैलाकॉइड एंड पेप केस या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, उसी का नाम है। बट मेजोफिल सेल हैज ग्रेनल थैलाकॉइड एंड पेप केस, सो इट परफॉर्म लाइट रिएक्शन एंड फर्स्ट फिक्सेशन ऑफ कार्बन, यानी पहला कार्बन का फिक्सेशन यहां होगा, एंड फर्स्ट फिक्सेशन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट अब लिखेंगे, यहां तक बात हो गई, अब नेक्स्ट पॉइंट अब लिखेंगे इन सी फोर साइकल फर्स्ट फॉर्म्ड स्टेबल कंपाउंड इज, इन सी फोर साइकल फर्स्ट फॉर्म्ड स्टेबल कंपाउंड इज, फर्स्ट फॉर्म्ड स्टेबल कंपाउंड इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड which is four carbon compound, so this is called C4 cycle। Which occurs in tropical plant, example डालेंगे sugar cane, maize, sorghum, sorghum, etc. pineapple भी देखा है ना, वो भी example है, pineapple भी, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। तो चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, जो भी ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उसमें सी फोर साइकिल मिलता है, समझ गए बात को। और अब लिखेंगे, अच्छा ये सेंटेंस भी लिख दीजिए पॉइंट, कि मेजोफिल एंड बंडल सेल आर जॉइंट टुगेदर बाय या अटैच बाय प्लाज्मोडेस्माटा, मेजोफिल एंड बंडल सेल आर joined by plasmodesmata which transport their material by this, या प्लाज्मोडेस्माटा, एक ही चीज हो गया by this, this मतलब भाई प्लाज्मोडेस्माटा का सेंटेंस स्टार्ट किए तो वो by this का मतलब प्लाज्मोडेस्माटा से। अब साइकिल तो लिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि पेप केस कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और मैलिक एसिड किसमें ट्रांसपोर्ट होके आएगा, मेजोफिल सेल, बंडल सेल में, और बंडल सेल से फिर
पाइरूवेट बन के ट्रांसपोर्ट होके जाएगा मेजोफिल सेल में और फिर से कन्वर्ट हो जाएगा पेपकेस में। अब लिखेंगे ड्यूरिंग दी C4 साइकिल कॉमा व्हेन पाइरूवेट ट्रांसपोर्ट टू मेजोफिल सेल and convert into phosphoenol pyruvate it use ATP that convert into AMP which is equal to loss of 2 ATP। तो जो ATP convert होता है किसमें AMP में वो किसके बराबर है 2 ATP के लॉस के बराबर है। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देर आर 30 ATP 12 NADPH and 6 cycle are required for the synthesis of 1 molecule of glucose that is 1 cycle required। कितना एक साइकिल के लिए कितना एटीपी चाहिए 5 लिख दीजिए दैट इज 1 साइकिल रिक्वायर्ड 5 ATP 2 NADPH। अब समझ गए तो अब एक इस तरह से आप बनाएंगे C3 साइकिल और डिफरेंस नहीं है अभी समझा रहा हूं क्या है C4 साइकिल। देखो C3 साइकिल में ये हो गया इन और ये हो गया आउट उसी तरह C4 साइकिल में इन और आउट। तो C3 साइकिल में क्या क्या देते हैं तो हमें क्या मिलता है C3 साइकिल में कितना 6CO2 देते हैं है? कितना 6CO2 देते हैं और 18 ATP 12 NADPH तब हमें क्या मिलता है C6H12O6 मिलता है और 18 ADP और साथ ही साथ 12 NADP+ और O2 कितना मिलेगा 6O2 फाइनल क्योंकि 12H2O भी यूज होता है वो साइलेंट है तो O2 मेंशन करना है तो कर सकते हैं नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। याद रखने के लिए इसको ब्रैकेट में मैं डाल देता हूं क्योंकि आप फिर कंफ्यूजन होगा आपको कि क्या चाहिए आपको। चलो यहां पर हमने ये यहां पर 6H2O या फिर 12H2O लगा देता हूं है ना। आप इसको अभी नहीं लिखिए छोड़ दीजिए बाद में कंफ्यूजन आपको होगा ये। अब यहां पर C4 साइकिल में क्या क्या देना होता है 6CO2 और 30
एटीपी और 12 एनएडीपीएच। तो यहां भी क्या मिलता है, ओ सिक्स 30 18 एडीपी और 6 एएमपी। 6 ही मिलेगा ना भाई, 6 बार साइकिल चलेगा तो 6 मिलेगा ना, तो 18 C3 साइकिल से और 12 एएमपी ये C4 वाले से मिल गया और बाकी 12 एनएडीपी प्लस। समझ गए बात को? तो ये इन और आउट का मतलब क्या दिया और आपको क्या क्या मिला, बस इस तरह से। अगर जो समझ सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं तो नहीं भी लिखना है लिख सकते या छोड़ना है छोड़ भी सकते हैं, बस समझाने के लिए एक बार ये हो गया। अब हेडिंग देना है फोटो रिस्पायरेशन। नाउ योर हेडिंग इज फोटो रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कहीं कहीं इसको C2 साइकिल बोलते हैं और कहीं इसको ग्लाइकोलेट साइकिल बोलते हैं। अब अगर पूछे कि ये फोटो रिस्पायरेशन का कंडीशन कहां मिल सकता है, कौन से प्लांट में, C3 प्लांट में कि C4 प्लांट में, C3 प्लांट में। C4 प्लांट जो है वो हाईली एक्यूरेट प्लांट है, वो बहुत कंजर्वेटिव प्लांट है। अब लिखेंगे फोटो रिस्पायरेशन, लिखेंगे रूबिस्को हैज टेंडेंसी, रूबिस्को हैज टेंडेंसी टू बाइंड विथ CO2 एंड O2 ऑल्सो, CO2 एंड O2 ऑल्सो। दैट इज O2 इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दैट इज O2 इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ रूबिस्को। ये हुआ। So its name is कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इसलिए रूबिस्को के नाम में लास्ट में क्या है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। सो इट्स नेम इज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अब लिखेंगे द बाइंडिंग ऑफ CO2 और O2 विथ रूबिस्को, the binding of CO2 or O2 with rubisco, the binding of CO2 or O2 with rubisco depends on concentration of CO2 and O2, depends on concentration of CO2 or O2, CO2 or O2. But it has more affinity to bind with CO2. As compared to O2.
but it has more affinity to bind with CO2 as compared to O2. But in general, रुबिस्को में CO2 के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू O2 से. लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि जब टेम्परेचर हाई हो और CO2 का कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी लो हो गया तो रुबिस्को बाइंड करने लगता है किसके साथ? O2 के साथ. अब अभी क्या बोला था C4 प्लांट में कि कुछ ऐसे ट्रॉपिकल प्लांट, ट्रॉपिकल प्लांट का मतलब जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, तो वहां का टेम्परेचर हमेशा हाई है ना भाई, और वहां पे अगर इस तरह का साइकिल नहीं चलेगा तो वो हमेशा रुबिस्को बाइंड करेगा O2 के साथ और प्लांट ही मर जाएगा. तो अपने सर्वाइवल बनाए रखने के लिए वो एक स्पेशल एनाटॉमी डेवलप कर लिए अपने अंदर जिसे क्रेंज एनाटॉमी कहें और साइकिल बना लिए C4 साइकिल. अब लिखेंगे लास्ट लाइन क्या लिखे थे, एज कंपेयर टू O2. When temperature is high, and CO2 concentration is low, Rubisco bind with O2, Rubisco bind with O2 and perform a wasteful process and perform a wasteful process called photorespiration. WAST होता है ना वेस्ट का, बेकार का, ओके WAST कर दीजिए का, वो कमर और WAIST हो गया था. वेस्टफुल प्रोसेस कॉल्ड फोटोरिस्पायरेशन है ना. अब ये वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहते हैं इसको फोटोरिस्पायरेशन को बेटा, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनता है, प्लांट अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाता है. C3 साइकिल क्यों चलता है? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए ना, लेकिन इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं बनते हैं. ना CO2 का फिक्सेशन होता है, ना ATP बनता है, ना NADPH बन पाता है. इसीलिए ऐसे प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आपको कोई फायदा ना हो, वैसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? वेस्टफुल प्रोसेस. तो लिखेंगे इन दिस प्रोसेस no any fixation of CO2 and formation of ATP and NADPH. तो ना इसमें कोई CO2 का फिक्सेशन होता है, ना ही इसमें ATP NADPH बनते हैं. ठीक है, तब लिखेंगे इन फोटो रिस्पायरेशन थ्री ऑर्गेनेल्स परफॉर्म वो तीन ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, थ्री ऑर्गेनेल्स परफॉर्म CPM से, याद रखना CPM एक लेफ्ट की पार्टी भी है. कम्युनिस्ट की पार्टी जानते हो? नहीं, आप लोग शिवसेना जानते होगे, बीजेपी जानते होगे, कांग्रेस जानते होगे, है ना. CPM नहीं जानते हो? जानते हो, कुछ लोग जानते होंगे. तो C फॉर क्लोरोप्लास्ट, P फॉर
पेरोक्सीसोम, और एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। तो परफॉर्म थ्री ऑर्गेनेल्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पहले क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बाद एरो देके पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम के बाद एरो देके डैश देके मतलब द माइटोकॉन्ड्रिया, इसी सीक्वेंस में होता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो शॉर्ट में याद रखने के लिए सीपीएम, कम्युनिस्ट की पार्टी, ठीक है। अब देखो, अब तो भैया इसमें होता क्या है, तीन सेल ऑर्गेनेल्स बनाना है। इसी तरह से समझिए कि तीन सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये तीन सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं। सबसे पहले नाम होगा एक, ऊपर में है क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, क्या नाम है इसका, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड में पेरोक्सीसोम, और थर्ड में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए सीक्वेंस लिखाया था सीपीएम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सीपीएम। अब देखो क्या होता है, जो आरयूबीपी है, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, यहां पर ये आर यू बी पी कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, यानी कि जो ग्लाइकोलेट में, ठीक है। अब ग्लाइऑक्सिलेट एक कंपाउंड है, दो कार्बन का कंपाउंड है, कितने कार्बन का, दो कार्बन का कंपाउंड है। होता क्या है कि ये आर यू बी पी में O2 आकर के अटैच हो गया, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, और 5 कार्बन का कंपाउंड एक मॉलिक्यूल बनाएगा 3PGA, और प्लस बन जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट में ग्लाइकोलेट, और ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का, 5 कार्बन का हिसाब मिल गया, क्योंकि आर यू बी पी कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का था। अब इसके वजह से, अब ये जो साइकिल चलता है, ये कन्वर्ट हो जाता है O2 को लेकर के H2O2 में, और ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट फिर कन्वर्ट होकर के, ट्रांसपोर्ट होकर के आएगा पेरोक्सीसोम में। मतलब ओवरऑल जो बात, अभी पूरा रिएक्शन दिखाते हैं, ओवरऑल जो बात है
कि जहां से चलेंगे हम लोग फाइनली वहां पहुंच जाएंगे। C3 साइकिल में भी जहां से चलते थे वहां पहुंचते थे, लेकिन उस जहां से चले वहां पहुंचने के प्रोसेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम PGL बोल रहे थे या DHAP कहते हैं, वो क्या हो रहा था? तीन बार साइकिल चलता था, एक बन के निकलता था मॉलिक्यूल। क्या बन के निकलता था? पागल, कौन, या फिर इसी का दूसरा नाम धप। आसानी से याद रखिए, पागल क्या बन के निकला? तीन बार साइकिल चला तो क्या बन के निकला? C3 साइकिल में एक पागल बन के निकलता है, यानी तीन बार साइकिल चलेगा तो क्या बन के निकलेगा? एक पागल बन के निकलेगा। और जब दो पागल आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन के मिलता है? एक ग्लूकोज बन के मिल जाता है। तो कुछ तो बन के मिल रहा है ना हमें, लेकिन फोटो रिस्पायरेशन जितनी बार भी चलेगा कुछ भी बन के नहीं निकलेगा। इसीलिए इस साइकिल को क्या बोल देते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? चलेंगे अब लिखेंगे ग्लाइऑक्सिलेट, एक मिनट। और यहां पर ट्रूमेंस किसके पास थी? घर गई। ओके, किसी के पास कोई मॉड्यूल है? एक जगह H3PO4 बन के निकलता है, यहां पर पाइरूवेट आएगा तो एक अल्फा कीटो ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा ग्लूटेरिक एसिड, इधर ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सेरीन में, सेरीन कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी, यहां पर आ गया O2, यहां पर एंजाइम काम किया है रूबिस्को। है किसी के पास कोई मॉड्यूल? है कुछ नहीं है किसी के पास? कुछ भी नहीं है। ग्लाइकोलेट
फिर लिखिए फॉस्फोग्लाइकोलेट H2O H3PO4 बन के निकला ग्लाइकोलेट में ये ग्लाइकोलेट ट्रांसपोर्ट होके आया और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइऑक्सिलेट जब O2 कन्वर्ट होगा H2O2 में और फिर ये कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट होके आया ग्लाइसिन तो ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सेरीन में सेरीन और यहाँ NAD+ कन्वर्ट होगा NADH में यहाँ से रिलीज होंगे CO2 फिर सेरीन ट्रांसपोर्ट होकर के आएगा इसमें सेरीन कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट और तब ग्लिसरेट ट्रांसपोर्ट होके इसमें आएगा ग्लिसरेट कन्वर्ट होगा PGA में और फिर कन्वर्ट हो जाएगा ये इसमें और यहाँ पर कन्वर्जन होता है ATP का ADP में दूसरा है NH3 बन के निकला यहाँ से NH3 आयन NH3+ और ग्लूटामेट अल्फा कीटो इसको बनाइए बस समझाता हूं मैं फटाफट बनाइए कुछ क्वेश्चन देता हूं Thank you.
एक क्वेश्चन इसमें भी है। यहाँ पर पहले एक बार समझ लीजिए साइकिल को। देखिए क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम है और रुबिस्को एंजाइम जो RUBP है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो वन मॉलिक्यूल क्या बनाता है 3PGA और वन मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है जो कन्वर्ट होता है H2O के प्रेजेंस में 2 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलेट में। देन ग्लाइकोलेट ट्रांसपोर्ट इनटू कहाँ आएगा, ये पेरोक्सीसोम है। कौन है? पेरोक्सीसोम है और ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये 2 कार्बन का ग्लाइकोलेट ट्रांसपोर्ट होकर के आया है, O2 के प्रेजेंस में H2O2 निकालेगा और कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड ग्लाइऑक्सिलेट में। ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में कब, जब उसको यानी कि यह एक एडिशनल इस तरह से कन्वर्ट होता है, ग्लूटामेट और ग्लाइऑक्सिलेट दोनों आपस में मिलते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा गीटो ग्लूटारेट में और ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन भी जो है वह 2 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है और ये ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट होके आता है माइटोकॉन्ड्रिया में और 2 ग्लाइसिन मिल करके रिलीज ये बनते हैं किसमें, एक सेरीन में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन। यही सेरीन फिर ट्रांसपोर्ट होके आता है वापिस से पेरोक्सीसोम में और पेरोक्सीसोम में सेरीन कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। ओ यहां पर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट है, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट पूरा नाम हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में और ग्लिसरेट फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट होके आता है क्लोरोप्लास्ट में जो कन्वर्ट होता है यहाँ पर ये जो पीजीए आया है उसके साथ ग्लिसरेट मिलकर के और पीजीए मिलकर के बन जाएंगे RUBP में। किसमें? RUBP में बेटा। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है और फाइनली जो है वो पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और इस क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद में आप इसका आंसर कर लेके आना है आपको। ओके चलिए।